इसका पैकेजिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। थैंक गॉड ये प्लास्टिक का है, 3 शेड्स में आता है इंडियन मार्केट पे। हाय राम, इसको आप ऐसे ट्विस्ट कर सकते हो तो ये एकदम बहुत ही यूनिक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इफ यू आर न्यू हियर, हाय आई एम अंशु, आई एम फ्रॉम असम एंड आई अपलोड वीडियोस अबाउट ब्यूटी, लाइफस्टाइल, फैशन एंड लॉट्स ऑफ हॉल वीडियोस। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज्वाइन माई ब्राउन फैम, इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MyGlam की न्यू लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में। MyGlam ऑलमोस्ट मंथ में 2-3 मेकअप लॉन्चेस तो कर ही देते हैं, एक एक वीडियो में मतलब व्यूज नहीं आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में ही मैं सारे न्यू लॉन्चेस के आपको रिव्यू दे दूं। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, आई बॉट ऑल द प्रोडक्ट्स विद माय ओन मनी, सो मैं इन सब प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। चलो फर्स्ट जल्दी जल्दी मैं प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या है, उसके बाद हम ये रिव्यू वीडियो स्टार्ट कर देंगे। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस MyGlam विटामिन सी लूमी क्रीम, देन वी हैव विटामिन सी फाउंडेशन, आई बॉट दिस MyGlam टिंटेड लिप बाम। सो मैंने उन लोगों का पीएच जो लिप बाम था वो मैंने पहले ट्राई किया था, दिस इज देयर न्यू लॉन्च टिंटेड लिप बाम। देन वी हैव फेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम MyGlam एक्स पॉपेक्सो, सो दिस इज देयर ब्लश एंड हाइलाइटर डुओ। 1 वीक पहले ही उन लोगों ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दिस इज द सुपर फोर लिक्विड लिपस्टिक स्टैक। इसका मैंने ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर दिया है, अगर आप देखना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। लास्ट प्रोडक्ट इज दिस MyGlam एंड पॉपेक्सो की कोलेबोरेशन से लिक्विड लिपस्टिक एंड लिप ग्लॉस की डुओ। इस लव पैकेजिंग में आते हैं और इसको आप ऐसे ट्विस्ट कर सकते हो तो ये एकदम बहुत ही यूनिक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो प्लस दिस मेकअप ट्यूटोरियल। फर्स्ट वी हैव द MyGlam विटामिन सी लूमी क्रीम, सो दिस इज अ मॉइस्चराइजिंग लूमी क्रीम और इसका प्राइस है 299 rupees फॉर 30 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज अ मॉइस्चराइजिंग लूमी क्रीम एंड इट इज एनरिच विद काकाडो प्लम। ये स्किन को एक पिंकी इफेक्ट देता है और इसमें कोई ऐसे चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, बस थोड़ा सा शिमर है जो आपको एकदम अप क्लोज ही दिखेगा। विथ लूमी क्रीम एंड विदाउट लूमी क्रीम का इफेक्ट आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, तो अगर आपको इसको खरीदना है तो आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि प्राइस एंड क्वालिटी के हिसाब से दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू लॉन्च टिंटेड लिप बाम। सो मैंने उन लोगों का पीएच स्टिक मैंने ट्राई किया है, ऑलमोस्ट उन लोगों का सारे शेड ही मैंने ट्राई कर लिया, बट नेवर ट्राई दिस टिंटेड लिप बाम। सो मैंने उन लोगों का वेरी चेरी शेड लिया है, दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, और अंदर से ये एकदम ट्विस्टेबल लिपस्टिक काइंड ऑफ पैकेजिंग में आता है। इसका शेड भी काफी अच्छा है पर ये लिप्स को स्टेन नहीं करता, इट इज जस्ट अ मॉइस्चराइजिंग टिंटेड लिप बाम। इसका प्राइस है 349 rupees, डिस्काउंट पे ये आपको अंडर 200 ही मिल जाएगा, बट इसका जो स्टेन पावर है वो बहुत ही कम है। अगर आपको ऐसे 1 आवर में आपको रीअप्लाई करने की आदत है तो आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द MyGlam विटामिन सी फाउंडेशन, ये काफी न्यू लॉन्च है। सो दिस फाउंडेशन इज इन्फ्यूज विद काकाडो प्लम एंड SPF 15, सो SPF 15 इज नॉट एनफ पर इसमें है वो ही लाइक अच्छी बात है। दिस प्रोडक्ट इज 30 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट फॉर 299 rupees और इसका पैकेजिंग ये लूमी क्रीम की पैकेजिंग की तरह ही है, बस इसका हाइट थोड़ा सा लंबी है पर दोनों ही 30 ग्राम की है। ये एकदम लिक्विड फॉर्मुलेशन पे आता है, ब्रश से ज्यादा ये हाथ से अच्छी तरीके से बहुत इजिली ब्लेंड हो गया और ये बहुत लाइट वेट भी है, पर ये थोड़ा सा स्टिकी है तो आपको इसको पाउडर से सेट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज समर सीजन, और ये स्किन को एक अच्छी ग्लो देता है जो मुझे अच्छा लगा। इसमें कोई भी कवरेज नहीं है एंड द थिंग इज कि इसका जो ऑयल है और फाउंडेशन है वो सेपरेट हो जाता है बहुत जल्दी। अभी भी ये पूरा ट्यूब चिपचिपा होकर रखा है, मैंने इसको शेक करके ही लगाया था। ट्यूब इसका पैकेजिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, थैंक गॉड ये प्लास्टिक का है, ये जस्ट मेरे हाथ से अभी गिरा क्योंकि ये बहुत स्लिपी होकर रखा है। इसका जो ऑयल है ये इसके ढक्कन से एकदम निकलता रहता है। इसका शेड रेंज इज सो बैड, सिर्फ 3 शेड्स में आता है इंडियन मार्केट पे। हाय राम, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज क्यूडीज। सो दिस इज द MyGlam एक्स पॉपेक्सो फेस स्टिक्स, दिस इज अ ब्लश एंड हाईलाइटर डुओ। दे हैव 2 शेड्स, फर्स्ट वन इज दिस वाइट ट्राइब, देन वी हैव इट्स गिविंग। सो द फर्स्ट शेड इज वाइट ट्राइब, इसमें आपको पिंक एंड रोज गोल्ड कॉम्बो मिलेगी। ये कुछ इस तरीके की ट्विस्टेबल पैकेजिंग में आते हैं, पहले तो ये दिखने में हार्ट की तरह लगता है पर आप इसको ट्विस्ट करके इसके एक साइड पे आपको ब्लश मिलेगी और दूसरी साइड पे आपको हाईलाइटर। ये जो पिंक ब्लश है वो ये बहुत ही पिगमेंटेड है, आपको बहुत ही धीरे से हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ये हाईलाइटर, बहुत ही सुंदर हाईलाइटर है, इसमें चंकी पार्टिकल्स नहीं है बट बहुत ही एकदम लाइट शिमरी इफेक्ट देता है। सेकेंड
वेरियंट इज इट्स गिविंग एंड दिस इज अ कोरल एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन। और इसको भी आप कुछ इस तरीके के ट्विस्ट कर रहे हैं, आपको एक साइड पे मिलेगी कोरल कलर की ब्लश और ये ब्लश भी बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन पे एकदम स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। सेकेंड एंड पे आपको मिलेगी हाईलाइटर, दिस इज अ गोल्ड हाईलाइटर। फर्स्ट तो मैंने सोचा था कि ये गोल्ड हाईलाइटर एकदम छटक गोल्ड होने वाला है, पर जब मैंने इसको अप्लाई किया, ओ माई गॉड दिस लुक्स सो शाइनिंग, आई लव दिस। इसमें कोई भी ऐसे चंकी शिमर पार्टिकल्स नहीं है। मेरे स्किन टोन के हिसाब से गोल्ड एंड कोरल वन इज माई पर्सनल फेवरेट, तो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई सा भी शेड्स ले सकते हैं। वी हैव दिस न्यू लॉन्च 4-in-1 लिपस्टिक स्टैक, सो इसका मैंने स्वॉच ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक दे दूंगी, तो आप जरूर उसको देख लेना। मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द लिपस्टिक एंड लिप ग्लॉस डुओ फ्रॉम पॉपेक्सो कलेक्शन। दिस इज द फर्स्ट वेरियंट पार्टनर इन क्राइम, दिस इज अ न्यूट लिप डुओ। इसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, ये लव पैकेजिंग में आता है और इसको भी आप कुछ इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हो। इसके एक साइड पे आपको लिपस्टिक मिलेगी और दूसरी साइड पे लिप ग्लॉस। जो ये लिक्विड लिपस्टिक है वो काफी कंफर्टेबल है, एकदम वन स्वाइप आपको पिगमेंटेशन देता है, पर ये मेरे स्किन टोन पे इतना शो अप नहीं हो रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक मुझे इसको लिप लाइनर के साथ यूज करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द लिप ग्लॉस, ओ माई गॉड द लिप ग्लॉस इज सो प्रिटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज अ पिंकी लिप ग्लॉस, ये एकदम हाई शाइन परफॉर्मेंस के साथ आता है, सुपर कंफर्टेबल, नॉन स्टिकी। सेकेंड शेड इज दिस सिचुएशनशिप, सो दिस इज अ पिंक लिप डुओ, सो ये भी कुछ इस तरीके के लव पैकेजिंग पे आता है, इसको भी आप ट्विस्ट कर सकते हो। इसकी जो लिक्विड लिपस्टिक है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही सुंदर कलर में आता है। ये शेड ऑलमोस्ट सारे स्किन टोन के साथ जाएगी, तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप इसको जरूर ले सकते हो। दूसरी साइड पे आपको लिप ग्लॉस मिलेगी, लिप ग्लॉस पे ये हाई शाइन परफॉर्मेंस के साथ आता है, ये एकदम डार्क पिंक कलर की है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है लिप्स पे, तो ये भी सारे स्किन टोन के साथ जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है, एकदम ही यूनिक आपको पैकेजिंग मिल जाएगी, 449 रुपीज नहीं पर अंडर 300 आपको मिले, तो इसको जरूर उठा लेना। सो या दैट्स इट, आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और मेरा मेकअप कैसा लगा इन सारे प्रोडक्ट से मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। सो मिलती हूँ मैं आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस एंड स्टे सेफ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।